सर ये कमिश्नर साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं। सर ये उन लोगों की लिस्ट है जो करोड़ों रुपए लेके इंडिया छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, मैं देख लूंगा इसको। और सर ये वो लिस्ट है जो करोड़ का स्कैम किया है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ सर। सर सबको आप देख लेंगे तो हम किसको पकड़ेंगे? तुम उन्हें पकड़ो जो हेलमेट नहीं पहन रहा। क्या बोलते रे? और उन्हें पकड़ो जो भूख मिटाने दो टाइम की रोटी चुरा के खा रहा है। सर उससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या फायदा होगा? तुम्हारी तो ग्रोथ हो रही हो ना, तुम्हारे लिए तो कई चीजों की परमिशन देते हैं ताकि तुम चुप रहो। सर मैं समझा नहीं। हम अगर हाईवे पे वाइन शॉप का लाइसेंस नहीं देंगे तो तुम ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में किसे पकड़ोगे? हाँ उनके घर को जाके पकड़ोगे। कुर्सी बचा के। सबको पता है पोल्यूशन शहर में किससे हो रहा है, गवर्नमेंट बसेस से और इंडस्ट्रीज से, लेकिन तुम पकड़ते किसे हो? गरीब ऑटो वालों को और प्राइवेट गाड़ियों वालों को। किसने दी तुम्हें इसकी परमिशन? रख रहे नाम तुम्हारा ख्याल कुर्सी बचा के? खुश रहो अपनी जगह। सर ये फाइनेंस है। हाँ इनके पास कुछ स्कीम है, कुछ बात करना चाहते हैं। अच्छा मैं कई एक नाम इसको रिसर्च करके ये स्कीम बनाया सर। सर आप ये पास कर दिया ना, मैं कंफर्म बोल रहा हूँ सर, ये देश की गरीबी 3 साल के अंदर अंदर गायब हो जाती सर, कंफर्म है। अभी वो गरीब के मसीहा सुन, गरीबी दूर करना है ना हम 3 महीने में कर सकते हैं, लेकिन साला अगर गरीबी दूर कर देंगे तो हम सपने किसको दिखाएंगे, भाषण किसको सुनाएंगे? हाँ अगर सबके पास पैसा आ जाएगा तो हम वोट कैसे खरीदेंगे? और यूथ को अगर हम जॉब दे देंगे तो 200 रुपए के खातिर हमारे साथ कैनवेसिंग पे कौन आएगा? गाड़ियों पे झंडे लगा के हॉर्न मारते हुए सारा दिन कौन फिरेगा? तुमको पता है हम जनता के लिए क्या है? वो कौन सा फोन होता है बे? वो आईफोन है कुछ नहीं, लेकिन जनता हमारी दीवानी है। तो सर आप ऐसा नया क्या देंगे उन्हें कि उसकी लालच में आकर आपको वोट देंगे? इनको कोई चीज देने की जरूरत नहीं है, इनके पास जो ऑलरेडी है वही लो और वही देने की बात करो। जी मैं समझा नहीं। इनका पानी रोको फिर इनको पानी देने का वादा करो, इनकी बिजली काटो फिर इनको 24 घंटे बिजली देने का वादा करो, फीसेस बढ़ाओ, स्कॉलरशिप देने की बात करो, दवाएं महंगी करो फिर मेडिकल फ्री करने की बात करो, पेट्रोल का दाम बढ़ाओ फिर दाम गिराने की बात करो, इनके पास जो ऑलरेडी है वो इनसे छीनो, वो इनको देने की बात करो। यही तो करते हुए आए हम आजादी से। 50 साल पुराना कोई भी भाषण कोई भी मंत्री का निकाल के देख लो और आज का देख लो, डिट्टो सेम है। हम 50 साल पहले भी वही वादे करते थे, हम आज भी वही वादे करते हैं। अगर आज हम इनको वो चीजें दे दें तो अगले इलेक्शन में इनसे क्या क्या वादे करेंगे? अगर दे दिया ना तो इनकी सोच बढ़ती जाएंगी। पता है ये लोग क्या पूछते हैं? वुमेन सेफ्टी, यूथ एम्प्लॉयमेंट, फेमिनिज्म, कहां से लाके दोगे इन्हें? सर बुरा ना माने तो एक सवाल पूछना। हाँ बोलो। सर आपका धर्म क्या है? सियासत। सो होप यू गाइस एंजॉयड दिस।